की एक चौपाई याद आ रही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप उसकी प्रतिमूर्ति हैं। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और हम सब गौरवान्वित हैं इस सीट पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जैसा विशाल व्यक्तित्व आज अध्यक्ष के रूप में हम सबका आप मार्गदर्शन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपका व्यक्तित्व समुद्र के समान गहराइयों जैसा आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व को पढ़ना और व्यक्तित्व से सीखना, ये सब मुझे अवसर मिला है। आपके साथ युवा मोर्चा से लेकर और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपके साथ मुझे महामंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और आपका इतना जो विशाल व्यक्तित्व है, उससे हमेशा लगता है कि आपके साथ जितना समय मिल जाए तो उतने समय में कुछ ना कुछ हम लोगों को जरूर सीखने मिलता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि समय समय पर आपका सानिध्य मिले, जिससे हम सबको सीखने मिले। और आज जिस स्थान पर मैं हूं, आपने मुझ जैसे अनेक लोगों को गढ़ने का काम किया है। आज गरिमामय क्षण है जब सर्वसम्मति से आप अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान हैं, जहां एक ओर हमारे इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, वहीं पर आज गरिमामय क्षण इसलिए भी है कि हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी भी यहां पर इस अवसर पर उपस्थित है। मैं आपको, सदन को और माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बधाई। बधाई का आनंद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि आपका चयन सर्वानुमति से हुआ है। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया, वो सर्वानुमति का चयन निश्चित रूप से आपकी अपनी राजनीतिक यात्रा और आप व्यक्तित्व की विशालता है। आज जब यहां खड़े होकर हम बातचीत करते हैं, और पहला वो दिन याद करते हैं जब पहली बार हम लोग इस सदन में चुन के आए हुए थे, आपका भी साथ और सानिध्य उस समय यहां पर हम लोगों को साथ में विधायक के रूप में था। हम लोग विपक्ष में आके बैठे थे, और जब विपक्ष में आकर बैठकर बातचीत करने शुरुआत करी थी, उस समय चर्चाएं बहुत अच्छी होती थी सदन में। हमारे साथ बैठे हुए माननीय सीतासरण शर्मा जी उस समय चीफ विप हुआ करते थे, गौरशंकर शेजवार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष थे। मैं तो पहली बार आया था और बजट सेशन में ही शुरुआत करने का दिन मिला था, और ये शायद इन लोगों का हमारे में विश्वास था कि मेरे को एक नहीं, दो नहीं, चार चार पांच पांच विषय की ओपनिंग करने और कराने का अवसर हमको इन्होंने दिया था। और वहां से मेरे को एक पहचान मिली थी, और उसके साथ साथ ये समझ में आया था कि सदन का महत्व कितना है। जैसा भी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे, यह सदन एक अंकुश का भी काम करता है, पर वो अंकुश तभी प्रभावी होता है जब दोनों पक्ष इसमें साथ में बैठ के सकारात्मक चर्चा करें। वो चर्चा का वातावरण बना के रखना स्वाभाविक रूप से हमारे विपक्ष के लोगों पर ज्यादा रहता है। हम सिर्फ हंगामा करके अखबार में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, या चर्चा करके समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं, चर्चा की तह में पहुंचना चाहते हैं,
ये दोनों पक्षों के आपस में तालमेल से विषय बनेगा। जिस तालमेल के साथ आज आप अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान हुए हैं, वो तालमेल इस बात के लिए इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में हमको वो पुराने दिन देखने को फिर से मिलेंगे, जब इस सदन में सकारात्मक चर्चा होगी और दोनों एक सूत्र बातचीत करके इस प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाने का जो है लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। हम चुन के तो आ गए हैं, भले विपक्ष में बैठे हों चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों, मन में तो दोनों के एक ही ख्याल है कि ये प्रदेश जो है ऊंचाइयों पर पहुंचे, और उस ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हम अपना अपना जो जो सहभागिता है वो सहभागिता निश्चित रूप से देंगे, ये मुझको विश्वास है। आपको एक बार फिर से मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद। महोदय, सर्वप्रथम तो हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन और आपको बहुत बहुत बधाई। ये वो सदन है जिसने संसदीय परंपराओं की उच्चता को अनेकों बार स्थापित किया है। देश में अनेकों राज्यों में संसदीय परंपराओं ने श्रेष्ठता हासिल की है, लेकिन इस सदन ने कभी भी मर्यादा को भंग होने नहीं दिया, और मुझे लगता है इस बात पर हम सभी को गर्व होना चाहिए। और ऐसे सदन में जिस पद पर आप विराजमान हैं, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, आपके बैठने से उसकी श्रेष्ठता और भी अधिक बढ़ती है। छात्र राजनीति से लेकर अभी तक राजनीति के अनेकों अध्याय पढ़े और देखे हैं, लेकिन कुछ पन्ने उसमें ऐसे हैं जिनमें नैतिकता के साथ राजनीति करने की सीख हमें मिलती है, और उसमें एक पन्ना आपका भी है। आपने ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि केंद्र में भी अनेकों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि केंद्र में वर्तमान मंत्रिमंडल में शायद आप अकेले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सर्वाधिक विभागों का नेतृत्व किया है, और मुझे यहां कहते हुए बहुत खुशी है, लगभग 8 वर्षों तक लोकसभा में चीफ व्हिप की भूमिका में रहते हुए संसदीय परंपराओं और शिष्टाचारों का बहुत नजदीकी से मैंने अध्ययन किया है, और वहां भी मंत्री की भूमिका में आपको देखता था कि विपक्ष के भी सर्वाधिक साथी आपके पास मार्गदर्शन के लिए आया करते थे। तो मुझे लगता है ये इस बात को स्थापित करता है कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वहां पर बैठने के बाद यही माना जाता है कि वहां निष्पक्षता के माध्यम से ही सदन चलेगा। जब एक मंत्री की भूमिका में इस निष्पक्षता के साथ आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, तो निश्चित ही जब अध्यक्ष की कुर्सी पर आप बैठे हैं तो मुझे लगता है कि एक अलग तरह की मर्यादाएं इस सदन में स्थापित होंगी। ये सदन अपनी श्रेष्ठता को और भी अधिक आगे बढ़ाएगा, और आपके नेतृत्व में एक बार फिर से इस सदन की गरिमा और मर्यादाएं वो श्रेष्ठता को हासिल करेंगी। हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं पहले सभी सम्मानित सदस्य, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के, सभी लोगों को एक भाव से प्रणाम करता हूं। सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी वरिष्ठगण, मीडिया के साथीगण, आप सब लोगों को भी मैं यहीं से प्रणाम करता हूं। आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं ये कहने में कि हमारे ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं एक ऐसे अध्यक्ष और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनको मध्य प्रदेश में नहीं, जब पूरे देश में पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कुछ व्यक्ति होते हैं जो पद को शोभित करते हैं। आपने इस आसंदी को, इसको ग्रहण करके कहीं ना कहीं इस आसंदी की भी गरिमा बढ़ाई है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं बहुत ज्यादा संसदीय भाषा का प्रयोग करता हूं तो थोड़ा सा सर भारी होने लगता है, तो मैं सरल भाषा में, जैसे आदरणीय हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी बोलते हैं, तो वो सीधी बात दिल से जो आया वो कह दिया, वो कहने में मैं विश्वास रखूंगा आने वाले इस 5 वर्ष में, क्योंकि भारी भारी शब्द जब बोलते हैं तो
चला जाता है, फ्यूज उड़ जाता है। तो नहीं भावुक नहीं, वो ज्यादा फिर वो भारी हो जाते हैं शब्द जो है मन में। मैंने कभी भाषण भी दिया आदरणीय अध्यक्ष जी, नहीं नहीं अब तो मैं जो मन की बात है वो बस सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी हम सबको बहुत खुशी है। मैंने सभी सम्मानित सदस्यों का वक्तव्य सुना ध्यानपूर्वक। मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री जी का और प्रहलाद पटेल जी का, क्योंकि सिर्फ दो ही सदस्यों ने विपक्ष को धन्यवाद दिया और बाकी जो सदस्य है उन्होंने विपक्ष को धन्यवाद नहीं दिया माननीय जी। तो जबकि जबकि ये सब ने बोला कि सर्वसहमति से आप अध्यक्ष बने। मैं आशा कर रहा था माननीय जब शिवराज सिंह चौहान साहब जब बोलेंगे कि वो जरूर बोलेंगे और कोई बोले या नहीं बोले, क्योंकि उनसे ज्यादा अनुभव तो किसी को हो ही नहीं सकता। जो क्षमा पूर्वक बोल देता हूँ, गौतम जी का भी नाम ले देता हूँ भैया। अभी भैया फ्यूज किसका उड़ेगा समय बताएगा ना, इसमें अभी मत आओ। अभी आज जो है ना हमारा औपचारिकता का सदस्य, इसको वहीं सीमित रखते हैं माननीय जी। समय बहुत लंबा है और उसको अनुभव करेंगे हम लोग। अभी मैं इस सदन की जो चीज है उसको दूसरे दिशा में नहीं ले जाना चाह रहा, जो बात है कह लें दो भाई सब। तो माननीय अध्यक्ष जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, क्योंकि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि काम निकल जाने के बाद हम लोग धन्यवाद देना भूल जाते हैं, तो इसलिए हो सकता है माननीय सदस्यगण भूल गए हो। लेकिन मैं इस चीज को कहना चाहूंगा और मैं अपने गर्व से कहना चाहूंगा, और यदि माननीय आप लोग सहमत हो तो इस बात पे आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा कि हमारे विपक्ष के नेता ने इतना बड़ा दिल दिखाया उमंग सिंगार जी ने एक स्वच्छ परंपरा का परिचय देकर के, उसके लिए सब लोग जोरदार ताली बजाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी भी नहीं बजी माननीय जी, काम निकल गया है। लेकिन लेकिन साथ साथ काफी काम किया सत्यदेव जी ने, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि सत्यदेव जी के स्वभाव में और सुपुत्र के स्वभाव में काफी अंतर है। इसको बेटा तुम कुछ सुधार। ऊपर गए बोलो यमन जी बोलो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आज जो सर्वसहमति से आप बैठे, कम से कम और कोई धन्यवाद दे ना दे, मैं इस बात की आशा करूंगा कि आप विपक्ष को और हमारे नेता प्रतिपक्ष को जरूर धन्यवाद देंगे। और आपने धन्यवाद दे दिया तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी विपक्ष के लिए। और माननीय जी दो सदस्यों ने यह बात भी कही कि विपक्ष के लोग हल्ला करके सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूं, मैं इस पर असहमति माननीय जी हमारा विपक्ष इतना कमजोर नहीं है कि हम लोग सस्ती लोकप्रियता छपने के लिए, और वैसे आपने छापने में कोई कसर हम लोगों को छोड़ी नहीं है पिछले सालों में, वो भी बताएंगे आने वाले वक्त में, लेकिन हम लोग इतनी सस्ती लोकप्रियता से इतनी छोटी सोच से काम नहीं करने वाले आने वाले। माननीय अध्यक्ष जी मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात कही ये महत्वपूर्ण है, ये बात वो है जो सबको नोट करनी चाहिए। उन्होंने इस बात को कहा कि सदन चलना चाहिए, और मैं उनके अनुभव को प्रणाम करते हुए इस बात को कहूंगा कि आप इस 16वीं विधानसभा में यह रिकॉर्ड बनाएं कि यह जो सदन 16वीं विधानसभा का है वो सबसे लंबा चलने वाला सदन हो, तो मैं ऐसी आपसे आशा और ऐसा विश्वास रखूंगा आने वाले वक्त में। मैं दो बातें और कहूंगा माननीय अध्यक्ष जी आपसे आग्रह करते हुए। एक चीज कि जितना सत्ता पक्ष को आप समय दें उसी के अनुपात में विपक्ष को भी समय दें, और ऐसा लगे कि जिनकी प्रतिमा पीछे लगी हुई है बाबा साहेब की, उनका संविधान यहां पर जीवित है, वो लोकतंत्र यहां चलता रहे, और सबको एक बैलेंस बना करके मौका दिया जाना चाहिए। और खास तौर पर यदि अच्छी सरकार चलानी है माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष को समय ज्यादा दिया जाना चाहिए, तो वो भी एक उदाहरण होगा। आपने हम सब लोगों ने सारे सदन की सहमति से ये निर्णय लिया कि निर्विरोध अध्यक्ष का चयन होना चाहिए था। एक बात कहना सब लोग भूल गया, मैं इसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक आग्रह किया था कि एक स्वच्छ परंपरा का मध्य प्रदेश में वापस आप लोग उदाहरण दें, आप लोग बड़ा दिल दिखाएं, और आप लोग अब क्योंकि अब निगाहें आपकी ओर है, विपक्ष की भी है और मीडिया की भी है, कि डिप्टी स्पीकर का पद आप लोगों को देना चाहिए। पहले ही दिख लीजिए आप, मेरा निवेदन है
और मैं आपको बता दूं भाई साहब, आप जो पीछे बैठे हुए हो, मैं आवाज डालता हूं शांत रहा, उनको बोलने दे। मैं अपनी बात को रिकॉर्ड पे लाने का मेरा अधिकार है और मैं अपने अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ दल का उपनेता होने के नाते माननीय जी। और जब हमारी चर्चा आपके वरिष्ठ नेताओं से हुई थी तो आप उसमें उपस्थित नहीं थे, इसलिए कृपया पूर्वक आप मेरी बात को सुन लीजिए। जो मैं बात कह रहा हूँ आपके संज्ञान में माननीय जी। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप डिप्टी स्पीकर का पद एक सम्मान से देंगे, एक स्वच्छ परंपरा को आने वाले समय में काबिज करेंगे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी लोगों को फिर से प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महामहिम का समय हो और लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर पर लोक को तंत्र पर प्रभावी बनाने के लिए आपके तरफ प्रदेश के पूरे जनमानस उम्मीद भरे निगाहों से देख रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से लोकतंत्र के मूल्यों को सहेज के रखने के लिए पक्ष और विपक्ष के ठीक उसी प्रकार कर्तव्य होना चाहिए, जिस प्रकार एक ऊंचाइयों में पक्षियों को स्वतंत्र विचरण करने के लिए दोनों पंखों की मजबूती अति आवश्यक होती है। जब दोनों पंख मजबूत होते हैं तो पक्षी ऊंचाइयों में स्वतंत्र विचरण करता है। लोकतंत्र रूपी यह पवित्र मंदिर पर आज जो हालात मानवीय मूल को लेकर के सामने हैं, हमें और आप सबको पता है कि जिस तरह से मानवीय मूल चुनौती से गुजर रहे हैं, आपस में हमारे अंदर, मैं तो माननीय अध्यक्ष जी कहता हूं कि जैसे हम नशाओं की बात करते हैं तो एक नशा पेय का होता है, एक नशा स्मोकिंग का होता है, पर एक सबसे बड़ा नशा होता है जो हमारे अंदर होता है और समझ में नहीं आता, वो नशा होता है अहम का। जब हम पदों में आ जाते हैं तो हमने देखा है जो माता पिता हमें अपने पेट से अपनी रोटी कम करके बढ़ाने का अवसर देते हैं, जो भाई हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जो अपनी दिन रात खून पसीना एक करके जो अवसर देते हैं, और जब हम पदों में आ जाते हैं तो अहम हमारे ऊपर आ जाता है। मैं चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय जी कि जो अहम हमारे मानवीय मूल को कमजोर कर रहा है, ना सिर्फ आप लोकतंत्र के माध्यम से बल्कि मैं चाहूंगा कि आपके कर्तव्यों में मानवीय मूल को सहेजने की दृष्टि से भी एक बेहतर प्रयास होगा। हमने आपको देखा जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, शपथ के कार्यक्रम में जब संसद के अंदर थे तो आपने ही उसका संचालन किया था, तब हम गौरवान्वित हो रहे थे कि मध्य प्रदेश की माटी का लाल, हमारे प्रदेश के माटी का लाल देश के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज आपकी परिकल्पना चंबल से कर रहे हैं, आपकी परिकल्पना कहीं कोई मालवा से करता है, कहीं कोई महाकौशल से करता है, कहीं कोई विंध से करता है। मैं कहना चाहूंगा ये मध्य प्रदेश एक है, ये देश एक है और मध्य प्रदेश हृदय स्थल है और आप हार्ट की तरह काम करके देश के बेहतर लोकतंत्र के लिए आप कोशिश करेंगे। वैसे मुझे पता है कि अगर कांच में पारा लगाओ तो आईना बन जाता है और किसी को अगर आईना दिखाओ तो पारा चढ़ जाता है। ऐसे भी सब परिस्थिति में आपको आईना दिखाते रहना है, किसी की पारा चढ़े या उतरे इससे मतलब नहीं है, लोकतंत्र पर मजबूत हो जाए ताकि जब हमारे एक एक सदस्य अपने क्षेत्र में जाए तो तंत्र वहां पर लोग को सम्मान करते मिले। ऐसी मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नर्मदे हर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से आपका विशाल व्यक्तित्व इस पद पर को और सुशोभित करेगा। आपका व्यक्तित्व विशाल है, गहरा है, आपका कृतित्व संघर्ष से भरा हुआ है पर परिणाम मूलक है। मैं उन चंद कार्यकर्ताओं में से हूं जिन्होंने आपके नेतृत्व में काम किया संगठन में, और मैं इस सदन को ये बात और बताना चाहता हूं कि देश में बहुत कम ऐसे राजनीतिज्ञ होंगे जिन्होंने लोकतंत्र के हर सदन में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आप पार्षद रहे, आप विधायक रहे और आप राज्यसभा और लोकसभा में भी सदस्य रहे, तो आपका यह अनुभव
निश्चित रूप से इस सदन को एक नई ऊंचाइयां देगा। आपका मार्गदर्शन और आपका मार्गदर्शन के साथ साथ आप हमें कुछ सिखाएंगे, ये हम अपेक्षा करते हैं। मैं अपनी ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं। आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग संगार जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, जगदीश देवड़ा जी, राजेंद्र शुक्ल जी, गोपाल भार्गव साहब, डॉक्टर सीता शरण जी, गिरीश गौतम जी, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, श्रीमान रामनिवास रावत जी, श्रीमान हेमंत कटारे जी, श्रीमान अजय बिश्नोई जी, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, श्रीमान राकेश सिंह जी, श्रीमान विसाऊलाल जी, और इस अवसर पर उपस्थित सदन के सभी सदस्यगण, यह पहला सत्र है। सभी लोग अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आए हैं। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जब विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन का समय आया, उस समय पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर सर्वसम्मति से चयन किया। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सभी सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी दो दिन लगातार हमारे सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्रीमान गोपाल भार्गव जी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। हम सब लोगों को शपथ और प्रतिज्ञान कराया और कार्रवाई का जो सफल संचालन, निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन उनके द्वारा किया गया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, हमारा यह सदन बहुत ही गौरवशाली सदन है। पंडित कुंजीलाल दुबे जी से लेकर गिरीश गौतम जी तक ये एक लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में मेरे से पूर्व अध्यक्षों ने अनेक प्रकार के मानदंड स्थापित किए हैं, परंपराएं स्थापित की हैं और अपने अपने कार्यकाल में अपने अपने ढंग से इस सदन का गौरव बढ़े, इस बात का प्रयत्न उनकी ओर से हुआ है। अध्यक्ष के रूप में आप सबकी निश्चित रूप से मुझसे भी इसी प्रकार की अपेक्षा है।